अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और फाइनली एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो चुकी है HVAC की, जिसमें आपको मिल जाएंगे ऑल कंपनीज AC इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, इन सब के एरर कोड्स। जो नॉर्मल AC हमारे सेपरेट AC है, VRF AC है, बड़े सिस्टम, छोटे सिस्टम, जितने भी AC हैं जो कि पाकिस्तान कंट्रीज़ में, इंडियन कंट्रीज़ में और इसके अलावा यूरोप, जितने भी यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में AC यूज़ होते हैं मोस्टली, उन सब के एरर कोड्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि बिगनर हैं अभी, जो HVAC फील्ड में न्यू हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल होगी। काफ़ी कुछ जो है वो इससे सीखने को मिलेंगे। एक तरह से कह लें कि ये एक बुक है, इस पर काफ़ी मेहनत हुई है और काफ़ी टाइम लगा है और इसकी एक नॉर्मल सी प्राइस रखी है जो कि आप पे करके इसको परचेज कर सकते हैं। और अभी काफ़ी दोस्तों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम तो आपको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप हमें ये बेचेंगे, तो यार बात कुछ ये है कि ये एप्लीकेशन बनवाई गई है और जिससे बनवाई है उसने भी अच्छे खासे इस पे, जाहिर सी बात है, पैसे लिए हैं। तो मैंने काफ़ी नॉलेज जो है इसमें उसको दिया और उसने एप्लीकेशन क्रिएट की और मैंने जहाँ तक पॉसिबल हो सका इस प्राइस को यानी कि डॉन बहुत ही कम कीमत में रखवाया ताकि नॉर्मल बंदा भी इसको ले सके। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे आपने पैसे पे करने हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद है, वो भी मैं आपको मुकम्मल जो है इसका रिव्यू दे देता हूँ। और उससे पहले यही आपको बता दूँ कि भाई आज मैं आप ही की स्पॉट पर यहाँ हूँ, तो ये ना कभी भी बीच में समझना कि भाई ये एप्लीकेशन हमें सेल कर रहे हैं आज़म साहब, तो यार ऐसी बात नहीं है। ये एप्लीकेशन जो है इसमें बहुत कम पैसे मैंने रखे हैं एप्लीकेशन के, आपने पे करने हैं। जो इसकी फ़ी मैंने ओनली 500 रुपये, पाकिस्तानी 500 रुपये ओनली रखी है, जो कि आई थिंक हर बंदा इजीली पे कर सकता है। 500 रुपये वैसे तो एक बच्चा भी खा जाता है एक दिन में, तो 500 रुपये में अगर आपको ये HVAC की बुक मिल रही है, इसको आप HVAC की बुक ही समझें क्योंकि इसमें जितनी मैंने डायग्राम्स, ऑल कंपनीज, एरर कोड्स और मज़ीद अपडेट्स भी इसमें आगे आती रहेगी साथ साथ। तो 500 रुपये में अगर अभी कोई परचेज करता है तो 500 रुपये में यानी कि आई थिंक $2-2.5 बनते हैं, आप अपनी कंट्री में $2.5 कन्वर्ट कर लें तो पाकिस्तानी 500 के आसपास बनेंगे, तो वो जस्ट आपने पे करने हैं और एप्लीकेशन आपने बाय कर लेनी है। प्ले स्टोर पर आपको ये नहीं मिलेगी, ये आपको दूसरे तरीके से मिल जाएगी, गूगल से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। कैसे वो चलिए सीख लेते हैं, आपने कैसे जो है इसको डाउनलोड करना है और दूसरे नंबर पर आपने इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके इनसे डायरेक्ट भी इसको अपने व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं या फिर गूगल का लिंक ले सकते हैं और इनको पे करनी है आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक थ्रू के, जैसे भी आप इजीली पे कर सके। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको ऐसा पेज आगे देखने को मिलेगा। उस पेज में आकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो कि आपको दिखा देता हूँ, ये टेक्नीशियंस टूल किट ऐप बाय फुली फॉरवर्ड, ये एप्लीकेशन टेक्नीशियंस टूल किट इस एप्लीकेशन का नेम है, ठीक है। और ये इसमें कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है जो कि यहाँ पर ये चैट ऑन व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको ग्रुप भी हमारा मिल जाएगा और ये लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप टेक्नीशियन, यहाँ पर आप रेड वाले इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आप बआसानी डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से आ जाएगी जो कि ये है, ठीक है, टेक्नीशियंस टूल किट, ये इसका सिंबल है, ओके। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये इस तरह से आपके आएगी। आपके मोबाइल फ़ोन में ये नहीं चलेगी, प्ले स्टोर पर आपको ये नहीं मिलेगी, आपको लेनी पड़ेगी ये, ठीक है। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। स्टार्टिंग पर जो इसमें आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो कौन सी प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। जैसे ही आप ओपन करेंगे
तो फ्रेंड कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आप इसको ऑन नहीं कर पाएंगे। ऊपर लिखा हुआ आएगा कॉपी डिवाइस आईडी, आपकी डिवाइस के साथ जब तक इसका कोड मैच नहीं होगा, ये कॉपी डिवाइस आईडी ये आपने कॉपी करके ये नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, नीचे आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉपी डिवाइस आईडी करके इनको सेंड करना है। इनको पैसे पे कर देनी है, इसकी जो फ़ी है 500 रुपये, वो फ़ी आपने पे करनी है। तो फिर ये जो आपकी आईडी है, ये पीछे गूगल इसमें डिवाइस आपकी कनेक्ट कर देंगे और फिर आप इसको चला पाएंगे। तो मैंने ये कॉपी करके सेंड की हुई है, तो अभी वो जैसे ही अभी देखेंगे कनेक्ट की, मैं अभी डाटा ऑन करता हूँ। एक बार आपको डाटे के साथ एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। ये देखें डाटा ऑन हो चुका है, अभी मैं इसको अब रीअपलोड यानी कि दोबारा से ऑन करता हूँ, तो अभी मेरी जो ये एप्लीकेशन है ऑन होनी चाहिए। तो अभी मैं इसको देखता हूँ कि ये ऑन होती है कि नहीं। तो ये देखें, ये वो जो सामने पेज आया था उसके बाद सिंपली हमारी एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ मिल रही है, आप भाई यहीं पर देख लें, ऑल एसी एरर कोड्स, फिर आपको पार्ट्स अटैचमेंट मिल जाती है रेफ्रिजरेटर, उसका रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र, उसमें कंप्रेसर 1/5 का है, 1/5 का है, तो उसमें कैपलरी कितनी लगेगी, ऑयल कितना डलेगा, वेपोरेटर कितना पाइप होगा, कंडेंसर कितना पाइप होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती है। रेफ्रिजरेटर में जो है वो चीज़ें कितनी कितनी होंगी, तो ये अटैचमेंट्स आपको मिल जाती है, ठीक है। कंप्रेसर साइज बाय वाट्स, ठीक है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कैपेसिटर कौन से कितने टन के एसी को कौन कितने साइज़ का, कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगेगा, ये भी है। और ऑल गैसेस प्रेशर, सक्शन डिस्चार्ज, जितना भी प्रेशर होता है सक्शन का, डिस्चार्ज का, रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, वो सारी गैसों के आपको इस पर मिल जाते हैं। और ये एक कैलकुलेटर है जिसमें आप टन टू BTU, BTU टू टन, किलो वाट टू टन, वाट टू किलो वाट, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बारी बारी दिखाऊं। सबसे पहला हाल इस एरर कोड्स वाले भी हम देख लेते हैं। एरर कोड्स वाले में ये है कि आपको एरर कोड्स आपने अपना इसी तलाश करना है कौन सा है। अभी इसमें से मान लो मेरा इसी है जी डाइकन लगा लो, तो ये एक डाइकन VRF के भी इसमें कोड आपको मिल जाते हैं, जो कि ये लिखे हैं VRV और मल्टी स्प्लिट डाइकन L सीरीज़, मतलब जो जो सीरीज़ में है जितने भी हैं। तो सबसे पहले ब्लू स्टार क्या है, डोलन्स एरर कोड, तो चलिए डोलन्स पर आ जाता हूँ मैं। मान लें कि डोलन्स का E6 एरर आ रहा है, तो ओके ये रहा E6 एरर, E6 कम्युनिकेशन फेलियर फेलियर है, कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन मीन इंडोर टू आउटडोर वायर का मसला है। अगर वो ठीक है तो चांसेस है हमारे इंडोर यूनिट में प्रॉब्लम है PCB में। तो इसी तरह कोई भी एरर है तो उसके नीचे उसका सलूशन लिखा हुआ है, प्रॉब्लम रीज़न लिखा हुआ है। इस तरह से ये सारे एरर कोड्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर। और एरर कोड के बाद आगे चले तो ये पार्ट्स अटैचमेंट, और इसमें आपको यही वही चीज़ पहले नंबर पर आपको मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर की डिटेल है सारी, फिर डीप फ्रीज़र की, फिर ऑयल जो है वो कितनी क्वांटिटी में डलेगा वो सारा। तो चलिए रेफ्रिजरेटर पर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर वाले पे। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, ये देखें यहाँ पर आप सेलेक्ट कंप्रेसर साइज़ करें, मान लें कि 1/6 की मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, 1/6 की। तो 1/6 पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो भाई सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, साइज़ इन क्यूबिक फीट, कितने फीट का रेफ्रिजरेटर ऑलमोस्ट बनेगा, 8 फीट का, जिसमें 1/6 का 1/6 का कंप्रेसर लगा होगा, ये भी बता दिया। साइज़ इन लीटर में 2.25 लीटर, 200 लीटर, यानी कि 225-26 230 लीटर का रेफ्रिजरेटर होगा जिसमें 1/6 का कंप्रेसर लगता है। कंप्रेसर HP साइज़ 1/6, कंडेंसर 35-45 फिट इसमें पाइप लगेगा, कंडेंसर का होगा मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि 40 फीट के अराउंड होगा। कैपलरी लेंथ जो है वो 9 से 10 फीट होगी, कैपलरी नंबर 0.28 की कैपलरी है, और एवेपोरेटर की 25 से 30 फीट लेंथ होगी पाइप की। तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इसी तरह की डी फ्रीज़र की भी निकाल सकते हैं और साइज़ की भी। तो ये कंप्रेसर साइज़ बाय वाट्स, ठीक है, कि कितने से कितने वाट हो, तो किस साइज़ का कितने HP पावर का कंप्रेसर होता है, तो ये देख लें।
अभी एक बड़ा 8 है, तो 94-95 से 125 वाट तक अगर रेफ्रिजरेटर है, डिस्पेंसर है, तो उसमें एक बड़ा 8 का कंप्रेसर लगेगा। 187 से 250 तक वाटेज है, तो एक बड़ा 4 का कंप्रेसर मोस्टली लगता है। ये भी काफ़ी काम का है। और इसी तरह इसको ओपन करेंगे कैपेसिटर वाले को, तो ये आ गई इसकी इन्फॉर्मेशन। 1 टन को 30 से 35 माइक्रो फैराड कैपेसिटर मोस्टली लगते हैं, और 1.5 टन को कितना, 2 टन को कितना, 2.5 टन को कितना, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। और गैसेस के प्रेशर ये है सारे, R134, ये सारी डिटेल, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर, केमिकल नेम जिससे ये मिलकर गैस बने, और फॉर्मूला केमिकल का। तो इसी तरह ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन है। और इसी तरह HVAC कैलकुलेशन आ गया। फॉर एग्जांपल आपको किसी AC के BTU मालूम है, आप निकालना चाहते हैं कि टन कितने हैं, कोई बड़ा सिस्टम आप देख लेते हैं, तो आप BTU जस्ट पहले वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आप BTU एंटर कर दें, ठीक है। सॉरी मैं देख लेता हूँ, जी हाँ, आपने BTU यहाँ पर एंटर कर देने हैं। BTU फॉर एग्जाम्पल है 48,000, तो इसको मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो इसके आगे टन निकल आएंगे। ओके, 48,000 के 4, ये 4 टन का हमारा यूनिट बनता है, तो 4 टन का यूनिट बनता है। तो इसी तरह आपको टन मालूम है तो BTU निकालने हैं, तो नीचे वाला है, फिर BTU2 किलोवाट, KW2 BTU, HP2 किलोवाट, KW2 HP, bar 2 PSI प्रेशर, और इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉरन हाइट पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरन हाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर भी आप जान सकते हैं। ये HVAC कैलकुलेटर है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो कि रही हमारी, कि हम कौन से AC को कौन सी वायर लगाएं, कौन सी वायर कितना लोड उठा सकती है, ये सारी डिटेल इस वाले आपको जो है ना फोल्डर में मिल जाएगी, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल एंड सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर आकर आपने जस्ट नीचे सेलेक्ट वायर साइज पर क्लिक करना है, और 7 मतलब जोन से भी आप वायर नॉर्मली देखते हैं, MM में आपने देखनी है, तो चलिए मैं 729 की थर्ड नंबर वाली देख लेता हूँ। तो 729 की आप डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, ये है 2.5 mm की, ठीक है। और ये लोड कितना आप ले सकती है वो देख लेते हैं, 2.5 mm की, MM में देखें तो 2.5 mm की वायर है। वायर नंबर है जी 729, और करंट कैपेसिटी इन एम्पेयर 18 एम्पेयर तक, मतलब 1.5 टन तक ये लोड उठा लेगी 729, ठीक है, इजीली। और वोल्टेज ड्रॉप ये है कि ये 100 फीट तक वायर अगर ये लेंथ इसकी लगती है, तो फिर जाके 2.5 वोल्ट मैक्सिमम ये ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी 100 फीट, तो 2 पॉइंट तो 2-3 एम्पेयर इसके वोल्टेज ड्रॉप होने से कुछ फ़र्क नहीं इतना पड़ सकता, क्योंकि वैसे ही नॉर्मली हमारे वोल्टेज 2-4-5 अप डाउन होते रहते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी मज़ीद डिटेल जो है ये नीचे लिखी हुई है कि घर का कितना लोड इस पे यानी कि उठाया जा सकता है, ये सारी डिटेल आप अगर रीड कर लेंगे तो आपको और मज़ीद कितनी लाइट्स, कितने फैंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये एक लास्ट में आपको डायग्राम्स का भी एक मिल जाता है फोल्डर, जो कि बहुत ही कीमती है। इसमें आपको 1 टन से लेकर आपको 4 टन की यूनिट की इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, उनकी डायग्राम्स मिल जाएगी, उनका सर्कल सिस्टम सारा मिल जाएगा, HP LP स्विच की डायग्राम, 4-way वाल्व की डायग्राम, और जितनी मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो डायग्राम्स है हमारे सिस्टम की, वो सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी डायग्राम एक साथ लोड होती है। और यहाँ पर ये वाला जो आपका फोल्डर होगा एप्लीकेशन में, ये इंटरनेट के साथ वर्क करेगा, और पेड एप्लीकेशन है, तो इस पर एड्स वगैरह आपको कुछ नहीं देखनी पड़ेगी, एड्स वगैरह जो आपको बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेंगी। बाकी एप्लीकेशन आपकी एक बार इंटरनेट के साथ आपको स्टार्टिंग में कनेक्ट करनी है, बाद में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये डायग्राम वाला जो एरिया है ये आपको इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी एरर कोड्स वगैरह वो सब कुछ आप एक बार लोड हो जाएंगे जब, तो इजीली आप बाद में भी यूज़ कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही ये लोड होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग में सिर्फ इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी सारी डायग्राम्स हैं, तो वो लोड लेने में टाइम लेगा। तो ये मतलब एक तरह की पूरी बुक है जो कि अभी लोड ले रही है,
ये मुकम्मल बुक है। तो ये नहीं आपने सोचना है कि भाई एप्लीकेशन हम मैं बेच रहा हूँ, ये मैंने मतलब बहुत कम पैसों में इसको रखा है। मतलब मैक्सिमम 500 रुपये में कह लें कि 50% जो है वो जिसने एप्लीकेशन ये बनाई है उसके हैं, सिर्फ मेरे नहीं है उसके हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाने पड़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही ये एप्लीकेशन बनाई है, जो कि सॉफ्टवेयर बनाना जानता है उसी से बनवाई है। मेरे पास नॉलेज था और सॉफ्टवेयर बनाने वाला अलग है, पूरा यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से बनवाया गया है, और जाहिर सी बात है उसकी जो चार्जेस है वो अच्छे खासे हैं, नहीं तो मैं और मज़ीद कम पैसों में इसको कर देता। तो उसको भी इसकी फ़ी देनी है, तो इस वजह से इसको पेड किया है। और फिर इसको ऐसा नहीं कि 5,000 में रख दिया हो या 4-3, इसको ओनली 500 में रखा कि हर बंदा जो है 500 इजीली पे कर सकता है। तो ये देखें, ये डायग्राम्स आ गई हैं। सबसे ऊपर रेफ्रिजरेटर की डायग्राम है, फिर 2 टन आउटडोर यूनिट की डायग्राम है, फिर यहाँ पर है जी फोर वे वाल्व हीटिंग पर और कूलिंग पर कैसे वर्क करता है, फिर 4 टन की है, तो फिर ये एक प्रोजेक्ट है 12 वोल्ट LED का। ये मतलब डायग्राम्स आपके सामने बहुत सारी आ जाएगी, वॉशिंग मशीन की भी है, फोर वे वाल्व की आउटडोर में कैसे कनेक्शन होते हैं उसकी भी है, रेफ्रिजरेटर नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर LP HP स्विच के साथ, ये 4 टन की है। ये सारी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी देखनी है तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो अगला पेज जो है डायरेक्टली हमारी वेबसाइट में आ जाएगा। तो वहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करते आना है, आपको पूरी डायग्राम तैयार हुई मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी, ओके ये वाली डायग्राम मैंने निकाली है, तो ये आ चुकी है। इस पर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगी, तो सेव भी आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। ये देखें, यहाँ से ये डाउनलोड भी आप इसको सिंपली कर सकते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मतलब मुकम्मल यूजेज आपको बताना था कि ये एप्लीकेशन इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, ये डायग्राम्स आपको बहुत सारी इसमें मिल जाती हैं। और जो दोस्त PCB कोर्स परचेज करना चाहता है वो भी यहाँ पर ऑप्शन है, बेसिक PCB रिपेयरिंग कोर्स, पेड PCB कोर्स, इस पर जस्ट वो क्लिक करेगा और एक ट्रेलर के तौर पर यानी कि किस तरह काम सिखाया जा रहा है इसमें, वॉच ट्रेलर 1 फुल वीडियो, ये पहली यहाँ पर क्लिक करके एक फ्री में वीडियो देख सकता है। उसके बाद उसको पसंद आए, कुछ समझ आए, और 14 एपिसोड है ये, आप थोड़ा सा यहाँ से रीड कर लें। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप फॉर कोर्स, कोर्स के लिए व्हाट्सएप जिसने करना है वो यहाँ पर रब्ता करे, उनको पैसे सेंड कर दें फी, और कोर्स जो है उसको सेंड कर दिया जाएगा मुकम्मल, ठीक है। और जो जो फ्रेंड हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर नहीं जुड़े हो वो यहाँ से ज्वाइनर्स हो सकते हैं। तो ये है मुकम्मल एप्लीकेशन टेक्नीशियंस टूल किट, आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस पर काफ़ी मेहनत की गई है, अब आप ही का प्यार चाहिए। इसको आगे शेयर करें ग्रुप्स में भी, और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप इसको शेयर करें, और सिर्फ ओनली 500 रुपये फ़ी है इसकी। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके भी आप पैसे सिर्फ जस्ट आपने सेंड करने हैं और ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो और मैंने आपको बता दिया कि आपने जस्ट कोड जो है वो सेंड करना है, वो कोड आपका एंटर कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन पर ये एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। प्ले स्टोर पर अभी ये अवेलेबल नहीं है, जैसे ही प्ले स्टोर पर भी आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और अब आ चुकी है एप्लीकेशन आपके सामने। तो फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।